हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल, अ न्यू ब्लॉग। एंड आज हम लोग निकल रहे हैं नई एक ट्रिप पे। तो इस बार मैं अपने बाइक पे नहीं जा रहा हूँ, इस बार जा रहा हूँ कार में एंड अपने फैमिली के साथ। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलेगा, तो बने रहिए पूरे वीडियो में और काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो पूरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ एंड आगे क्या क्या होता है वो आपको दिखाते रहेंगे पूरे वीडियो में, ठीक है। तो अभी निकलते, हम लोग नासिक से निकले एंड हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ, एंड कहाँ जाते हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते गाड़ी में, जल्दी फ्यूल अप कर लिया है एंड निकलते हैं। गाइस, ऐसा कुछ सामान पैक किया हुआ है हमने एंड घर से चाय भी लेके आए तो पी रहे एंड पूरा पैकिंग, और एक कैंपिंग चेयर भी एक है साथ में, तो आराम से बैठ के तो फोटो शूट कर रहा है आकाश। ए गाइस, धुले निकल गया एंड अभी इंदौर आएगा 250 किलोमीटर के बाद, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छी स्पीड से जा रहे हैं, काफ़ी नॉर्मल। एंड अभी बज रहे शाम के 4, तो शायद हम लोग 8 या 9 बजे तक पहुंचेंगे। हम स्टॉप लेंगे शायद इंदौर में या उसके आगे, देखते हैं अगर कुछ पॉसिबल होता है तो। हम जहाँ पे जा रहे हैं उसके 2 रूट्स है, तो हम लोग जा रहे हैं नैनीताल, आपको अभी पता देता हूँ मैं। तो हम लोग जा रहे हैं नैनीताल एंड उसके 2-3 रूट्स है। आप ग्वालियर, आगरा ग्वालियर होते हुए जा सकते हो, फिर आप इंदौर से पहले कट होके राजस्थान साइड से भी जा सकते हो, पर हम लोग लेंगे ग्वालियर वाला ही रूट, ठीक है। तो वहाँ पे वो रूट से हम फेमिलियर भी है, तो इसलिए वहाँ से ही जाएंगे। बाकी और भी आगे लोग जुड़ने वाले हैं फैमिली के, तो वो लोग आगे मिलेंगे, वो आपको आगे मिलाता हूँ हम लोग उससे। तो अभी मैं, मेरा छोटा भाई और मम्मी यहाँ पे पीछे बैठी है, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं, ये यहाँ पे मम्मी है पीछे, तो मम्मी के लिए पूरा एकदम बेड जैसा पूरा हमने जुगाड़ कर दिया है, तो मम्मी आराम से लेट के ट्रैवल कर रही है साथ में। एंड अभी आकाश बाइक एंड अभी आकाश ड्राइव कर रहा है, फिर आगे जब उसको लगेगा कि तो फिर मैं कर लूंगा ड्राइव, ठीक है। गाइस, सो हम लोग लखनऊ पहुंच गए एंड मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि आज थोड़ा थका हुआ था, तो गाड़ी में भी आराम कर लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग निकल रहे आगे की तरफ, अभी जस्ट खाना खाया ढाबे में एंड अभी आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ से 500 किलोमीटर रह गए ग्वालियर एंड वहाँ से 200 किलोमीटर दिल्ली, तो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में हमको पापा को पिक करना है, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ से 50-100 किलोमीटर जितना होता है उतना जाते हैं थोड़ा, एंड फिर हाईवे पे होटल लेके रुक जाएंगे एंड फिर सुबह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड बाकी कल आपको पूरा अच्छे से पूरा व्यू दिखाएंगे, शॉट दिखाएंगे थोड़ा रिचार्ज होके, ठीक है। एंड बाकी चलते आगे एंड आपको कल पूरे बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाईवे हाईवे था, नज़ारे तो आगे दिल्ली के आगे शुरू होंगे, तो आपको बढ़िया बढ़िया शॉट्स दिखाएंगे, ठीक है। गाइस, सो दिस इज़ द डे 2 एंड हम लोग सुबह निकल गए थे इंदौर के, थोड़ा आगे देवास आता है, तो वहाँ पे कल रात को रुक गए थे। हाईवे पे ही हमको अच्छा रूम मिल गया था 1000 रुपये तक, तो हम तीनों रह गए थे वहाँ पे। एंड सुबह 5 बजे निकले हम लोग वहाँ से एंड अभी पहुँचेंगे हम ग्वालियर, तो ग्वालियर अभी 200 किलोमीटर रह गए, तो अभी यहाँ पे रुके थे चाय पीने के लिए। गाइस, रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आप अच्छी स्पीड पर चल सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड बाकी बस एक ही प्रॉब्लम है MP और राजस्थान का, कि वहाँ पे गाय काफ़ी होती है रोड पे, तो आप लोगों को थोड़ा आराम से चलना होता है क्योंकि गाय सुबह सुबह क्रॉस करती रहती है, ठीक है। तो बाकी अभी हम लोग निकलते हैं, अभी सुबह के बज रहे 8 एंड हम लोग ऑलरेडी 3 घंटा निकल चुके थे, तो अभी बस यहाँ पे चाय पीने रुके थे यहाँ पे पीछे, ठीक है। तो अभी और 200 किलोमीटर है ग्वालियर, आगरा एंड फिर आज जाना है दिल्ली, तो और 7-8 घंटे दिखा रहा है, लेकिन पहुँच जाएंगे हम लोग, तो लेट्स सी। तो चलते हैं अभी आगे बढ़ते हैं एंड फिर आप लोगों को आगे मिलते हैं कार के अंदर से। गाइस, सो अभी हम लोग ग्वालियर पहुंचने वाले, बस 20-30 किलोमीटर रह गए, ठीक है। तो फ्यूल अप करने रुके थे, तो MP में अभी तक सबसे महंगा पेट्रोल है 109 रुपये, ठीक है। तो अभी आएगा चंबल की घाटी एंड वो सब चालू हो जाएगा एंड फिर आगे निकलेंगे, ठीक है। तो ग्वालियर में ब्रेकफास्ट करते, 10:30 हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। सुबह सुबह निकले थे 5 बजे एंड बाकी सब बढ़िया है, बाकी हल्की हल्की ठंड है, दिसंबर चालू है यहाँ पे, ठीक है। तो चलते आगे फिर आप लोगों को आगे मिलते हैं। सो ग्वालियर पहुँच गए एंड ये ग्वालियर का बाईपास है, तो ये ग्वालियर का गेट है और हम लोग बाहर से निकल रहे हैं अभी आगरा के लिए,
ठीक है, तो चलते आगे। हे गाइस, सो अभी यहाँ पे रुके थे खाना खाने के लिए ग्वालियर के आगे, एंड अभी 100 किलोमीटर आगरा है, तो अभी चलते आगरा की तरफ एंड फिर दिल्ली। तो अभी डायरेक्ट दिल्ली निकलेंगे, कुछ 350 किलोमीटर है। ठीक है, चलते हैं अभी। The next day. Hey guys, so good morning. और आज है day 3 हमारा रोड ट्रिप का, एंड हम लोग सुबह सुबह निकले हैं दिल्ली से, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं काठगोदाम की तरफ, नैनीताल की तरफ। ठीक है, तो अभी डैडी भी आ गए, मम्मी भी है, डैडी ने कल ज्वाइन कर लिया हमारे साथ ही। राकेश यहाँ पे कार चला रहा है। ठीक है, तो अभी पूरा अपना यूपी का रास्ते आएंगे। अभी मुरादाबाद आएगा 114 किलोमीटर, नैनीताल 248, एंड हल्द्वानी पड़ेगा रास्ते में, रुद्रपुर भी पड़ेगा। आगे प्रेरणा भी है, तो उसको भी पिकअप करना है काठगोदाम से। ठीक है, वो आ रही है लखनऊ से, तो उसको वहाँ से पिक करेंगे एंड फिर निकलेंगे नैनीताल के लिए। हे गाइस, सो अभी हम लोग यहाँ पे रुके चाय पीने के लिए, और मुरादाबाद 100 किलोमीटर पहले। ठीक है, और फिर सामने सनराइज़ कितना प्यारा लग रहा है, एकदम मस्त। ठीक है, तो अभी जा रहे हैं चाय पीने के लिए, एंड यहाँ पे चाय पियेंगे एंड फिर आगे निकलेंगे हम लोग। गाइस, सो अभी नैनीताल रह गया 120 किलोमीटर, एंड अभी हमने जस्ट मुरादाबाद क्रॉस किया, अभी आएगा रामपुर। टाइम हो रहा है 9:30 बजे, बस निकलते हैं फिर। सो अभी हम लोग नैनीताल के घाट पे, एंड जैसे कि आप देख सकते हो 2 किलोमीटर ऊपर आ गए, यहाँ पे रुके। सो सब लोग हैं साथ में, प्रेरणा, मम्मी, आकाश, डैडी और मैं। तो यहाँ पे ऊपर ही चढ़ते हुए खाने के लिए रुके, हल्का फुल्का चाय वाय और भजिए ब्रेड पकौड़ा। काफ़ी अच्छी ठंड हो रही है यहाँ पे, तो सोचा खाते एंड फिर आगे निकलेंगे। 30 किलोमीटर है यहाँ से घाट ऊपर। ठीक है, एंड अगर आप लोग आना चाहते हो नैनीताल, तो दिल्ली से यहाँ पे काफ़ी ट्रेनें चलती है, जनशताब्दी और काफ़ी स्लीपर एसी ट्रेन्स, तो आप उससे भी आ सकते हो, और यहाँ से नीचे से गाड़ी मिल जाती है। गाइस, निकल गए हम लोग वहाँ से खा के, एंड अभी दिख रहा है कुछ 30 किलोमीटर है नैनीताल। ठीक है, तो होटल किया नहीं है, ऊपर जाके करेंगे, देखेंगे। ठीक है, एंड भीमताल नीचे रह गया, तो जाते हैं अभी ऊपर, देखते हैं, क्योंकि काफ़ी क्राउड जा रहा है। आज मंडे है, लेकिन तो भी काफ़ी ऊपर लोग गए, टूरिस्ट प्लेस है काफ़ी बढ़िया, दिसंबर चालू है तो इसलिए। एंड ये यहाँ पे पीछे सब लोग बैठे हैं तीनों, और यहाँ पे हम दोनों यहाँ पे रुके अभी। देखिए यहाँ पे व्यू पॉइंट है काफ़ी बढ़िया सा, जैसे कि आप सामने देख सकते हो, और ये रहे यहाँ पे पूरे पहाड़ एकदम मस्त। ठीक है, तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे, एंड अभी बस निकलेंगे आगे। एंड ये ऐसा रोड है नीचे से आने वाला, सो अभी ज़्यादा नहीं, बस 5-6 किलोमीटर ही रह गए। ठीक है, तो अभी चलते, एंड ये ऐसे पीछे मेरे पूरा पहाड़ है, व्यू एकदम मस्त। और ये ऊपर से रोड से लोग आ रहे हैं नीचे। गाइस, सो हम लोग अभी है नैनीताल में, एंड ये रहे मम्मी डैडी यहाँ पे।
देख लिया गाइस, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे ट्रैवल वीडियोस मोटर व्लॉग्स बनाता रहता हूँ। इस बार फैमिली के साथ आया हूँ, मैंने वैसे बाइक राइड्स करता रहता हूँ, आपको पुरानी वीडियोस मेरी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज बाइकर रमन साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।